अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने सारे गिफ्ट्स, अच्छा हुआ ना आए तुम आ गई, लेकिन तुमने आने में थोड़ी सी देर कर दी। अगर तुम थोड़ी पहले आ जाती तो तुम उस इंसान से मिल लेती जिसने इन बच्चों के चेहरे पे खुशियां बिखेर दी। फिर तो वाकई मैंने बहुत देर कर दी। तुम्हें पता है अनाया, कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने खास मिट्टी से बनाया होता है जो हमेशा दूसरों को खुशियां देते हैं बिना किसी नफा या नुकसान के, जैसे मायर। क्या नाम लिया फिर? मायर। मायर बहुत अच्छा इंसान है, अपना कीमती वक्त निकालकर इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है। अच्छा, पहले भी आते रहे हैं यहाँ पे? हाँ आते तो थे मगर मैडम से मिलने, लेकिन हमेशा उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम उन्हें बरसों से जानते हैं, और आज पहली ही मुलाकात में उन्होंने सारे बच्चों का दिल जीत लिया है। नजर आ रहा है और आपका दिल भी जीत चुके हैं वो शायद। अरे नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ तुमसे उनकी शख्सियत का एक पहलू बयान कर रही हूँ। अगर तुम उनसे मिलती ना, उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। केक। जूस। किसी ने हर्ट किया, किसी ने कुछ कहा। अच्छा चलो, लेट्स प्ले द गेम। मुझे नहीं खेलना। हर वीकेंड बाबा मुझे कॉल करते हैं, पर इस बार भूल। ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी क्यूट सी प्रिंसेस को बाबा भूल ही नहीं सकता। तो जितना प्यार आप बाबा से करती हो, बाबा भी आपसे उतना ही प्यार करते होंगे। करते हैं, पर उनके साथ मुझे हमेशा आनंद है। ठीक है, हम आपके पापा को कहेंगे कि हुरैन यहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है, वो आए और हुरैन को यहाँ से ले जाए। तो मैं आपसे कैसे मिलूंगी? आप मुझे कॉल कर लिया करना, मैं आपसे मिलने आ जाए करूंगी। आप कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल मामा की तरह। क्या मैं हकी हूँ? चलो अब हैप्पी हैप्पी माही ड्राइंग करेगी, ठीक है?